हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दो बहुत ही इजी एंड क्विक सी रेसिपीज़। तो यहाँ पे मैं उसी के लिए तैयारी कर रही हूँ। पहले तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हों तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको एक लाइक दे देना। तो जो मैं बात कर रही थी, जिसके लिए उसी के लिए मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं, वही मैंने कट कर लिए हैं, और यहाँ पे मैंने प्याज और टमाटर भी कट कर लिया है। तो ये देखिए, जिसमें मैंने आलू बॉईल किए हुए थे उसमें नमक और मिर्च ऐड की है, मिक्स कर लिया है। टमाटर, प्याज, वहाँ पे सेव है, मीठी चटनी, तीखी चटनी, मिक्सचर है और मुरमुरे है, जिसको मैंने नमक और हल्दी में थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था। तो बस सब रेडी था, तो अभी ये बनाएंगे तो मेरे हस्बैंड ही, क्योंकि ये भेल वगैरह वही बनाते हैं, तो मैं रेडी कर रख करके रख देती हूँ, वो आके फिर बनाते हैं। तो यहाँ पे बस ये बनाने के लिए उन्होंने एक बाउल में ले लिए मुरमुरे, उसमें डाल देंगे वो थोड़ा सा मिक्सचर, फिर मीठी चटनी, जब भी भेल बनानी होती है तो वही बनाते हैं। मैं तो नहीं बनाती, मैं ऐसे रेडी कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी चीज़ें कोई बना के दे तो वो ज़्यादा टेस्ट देता है। इसीलिए इसमें आप अपने हिसाब से और भी चीज़ें ऐड करनी हो तो ऐड कर सकते हो। कोई कोई लहसुन की चटनी भी डालता है, तो इफ़ यू लाइक वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे बस वो सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो सारी चीज़ें डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करना है। तो बस यहाँ पे ये मिक्स कर रहे हैं। तो ये देखिए, हो गई है भेल तैयार, बहुत ही यमी लगती है, बहुत पूरा टेस्ट मुंह का चेंज कर देती है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ईजी है। ये देखिए, आ जाइए आप सब भी खाने के लिए। तो नेक्स्ट जो हम खाने वाले थे, जो रेसिपी है वो है दही पूरी की। तो पूरी एक्चुअली घर पे रखी हुई थी, तो बाकी सारा तो सामान था ही, इसीलिए सोचा फिर दही पूरी भी खाते हैं। तो उसके लिए पूरी में आलू जो हमने बॉईल किए हुए थे वही हम भर रहे हैं, और ये आज दही पूरी भी मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं, मैं नहीं बनाती हूँ। इसमें भी सारी चीज़ें सेम ही जाएगी, बस इसमें दही चाहिए, बाकी तो चटनी वगैरह तो सेम ही पड़ती है। इसमें थोड़ी सी लहसुन की चटनी भी ऐड कर रहे हैं, बाकी सब कुछ सेम है। हाँ, इसमें काला नमक, जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च, उसको भी ऐड करना है। ये तीन चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा पड़ती है। इसमें मीठी चटनी थोड़ी प्रपोर्शन में ज़्यादा होती है बाकी सब के कंपैरिजन में। तो बस यहाँ पे मीठी चटनी और फाइनली फिर दही डालेंगे। तो यहाँ पे अब लास्ट प्रोसेस है दही, उसके बाद ऊपर से और मीठी चटनी डालेंगे। तो बस लास्ट में यहाँ पे स्प्रिंकल करना है आपको यही लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा काला नमक और भुना हुआ जीरा का पाउडर ऊपर से ऐसे स्प्रिंकल कर देना है ऐसे ही, और ऐड कर दीजिए सेव। तो आ जाइए आप सब भी खाने के लिए, दही पूरी हो गई है तैयार। तो बस फ्रेंड्स, आज का मेरा व्लॉग यहीं तक का था। आप लोगों से कल मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। बी हैप्पी, एंजॉय कीजिए, और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको एक लाइक दे देना। बाय।